अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको चिकन क्रेब्स बनाने की रेसिपी बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसकी डो तैयार करेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच आधा टीस्पून नमक, वन टीस्पून शुगर। अगर आप मर्जी है डालना चाहें तो डालें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसे बीट करेंगे। अब इसमें हम 1 कप मैदा ऐड करेंगे। इसे अच्छे तरीके से मिलाएं, इसमें लंप ना पड़ जाए। अब इसमें हम 1 कप दूध ऐड करेंगे। 1 कप दूध ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। दो टेबलस्पून टीस्पून है मक्खन ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे, इसमें लम्स ना पड़ जाए। मैंने थोड़ा सा दूध छोड़ लिया है, तकरीबन इतना, क्योंकि बैटर को हमें थोड़ा सा पतला करना है। ये देखिए, एक ही इसमें कोई लम्स नहीं आए और ये अच्छे तरीके से बैटर हो चुका है, फिट हो चुका है। अब हम इसे हम 10 मिनट के लिए रखेंगे, फिर हम इस तैयार करेंगे। 1 कप चिकन, तकरीबन 1 कप हम इसमें डालेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून अदरक और लहसुन। इन दोनों को एक साथ पीस कर रखा है। तो हम इसमें मिलाएंगे। आधा लेमन का रस, उसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। वन टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे। एक अदद प्याज बारीक बारीक कटी हुई, प्याज को हम थोड़ी सी देर गरम करेंगे, हल्का सा फ्राई, और थोड़ी सी शिमला मिर्च।
इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी देर से हमने फ्राई किया है, अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। इसमें हम बटर डालेंगे तकरीबन इतना। अब ये मक्खन इसमें मिक्स हो चुका है। हाफ कटोरी इसमें हम पानी डालेंगे। इसे हम ढककर रख देंगे हल्का करके 10 मिनट के लिए। अब हम इसको देखेंगे, ये हो चुका है, बहुत अच्छा खुश करेंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून केचप ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून। इससे थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। आपको पसंद नहीं है तो आप ऐड ना करें। अब ये तैयार हो चुका है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और हम इसकी डो तैयार करेंगे। अब हम इसकी डो तैयार करेंगे, थोड़ा सा इसमें आटा डालेंगे, थोड़ा सा। इसका बैटर तैयार किया है इस तरह से लेकर डो बनाएंगे और पतली सी बनानी है। जितना बड़ा आप चाहें उतनी बन सकती है। ऐसी मदद से आप इसे सही करना। जब बबल आने शुरू हो जाएंगे फिर हम इसे पलट देंगे। देखें सर, बबल आना शुरू हो गए। थोड़ा सा मुश्किल होगी लेकिन अब से एहतियात से इस तरह से पलट देंगे। ये देखें, अब हम इसे इस तरह से हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे। ये देखिए, इसकी रोटी सी बन गई है। ये देखिए, इस तरह हम सारी तैयार कर लेंगे। इस पेस्ट को रोटी ऊपर पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं आप, केचप भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ना लगाना चाहे तो ना लगाएं, बहुत ही थोड़ा सा लगाना है। मैंने यहाँ पर मैदे की लेई बना कर रखी है। पहले हम इसमें चीज़ है, मैंने चीज़ को क्रश करके रखा है और हम इसमें चीज़ डालेंगे।
साथ हम इसमें ये पेस्ट डालेंगे, जितना आपको मुनासिब लगे। अब हम इसे इस तरह से बंद करेंगे, इस तरह से हमें बंद करना है, लेकिन हम इस पर ये लेई लगानी है। मैदे का जो हमने पेस्ट बनाया है मैं उस पर लगा लें, हल्का सा ऐसे लगा लें, ऐसे इसके ऊपर फोल्ड कर लें, पेपर छुपट जाएगा। फिर आप यहाँ लगा लें या यहाँ पर इसको यहाँ से छुपट कर दें, इस तरह से छुपट देना। हमें हल्का सा इसके ऊपर लगाना है, इसे हमें फोल्ड कर। अब ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब हमें इसे फ्राई करना है, हल्का सा इसे हम फ्राई कर देंगे। हल्का हल्का सा इसे हम ब्राउन कर लेंगे। देखिए इसे हम हल्की हल्की जगह पर इसको हम तरह से फ्राई कर रहे हैं। अब हम इसको कर लेंगे इस्तेमाल। अच्छे तरीके से हो चुके हैं। अब इसी तरह से पीछे से हो जाएंगे, फिर हम इसे निकाल देंगे। ये देखें ये हो चुके हैं दूसरे साइड से, अब हम इसे निकाल देंगे। अब इसे हम आपको काट कर दिखाते हैं। ये देखें अंदर चीज, और ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार, आप अपने घर पर बनाएं, ट्राई करें। देखें इसे हम आपको काट कर दिखाते हैं। ये देखें चीज़ी चीज़ी से, और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार, इसे आप ट्राई करें, अपने घर पर बनाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।